जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। फ्रेंड आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल रीजनिंग प्रीवियस क्वेश्चन पार्ट थर्ड। इससे पहले दो पार्ट तक कर लिए, ये थर्ड पार्ट रहेगा जिसमें हम 17 जनवरी 2023 का पेपर देखेंगे थर्ड शिफ्ट का। सो जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है जीडी कॉन्स्टेबल के लिए वो जरूर प्रीवियस क्वेश्चन लगाए ताकि आपको एक आइडिया मिल सके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप किस प्रकार 20 में से 20 नंबर ला सकते हो रीजनिंग के सेक्शन में। तो इसलिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे ताकि आपको एक आइडिया मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हम प्रीवियस क्वेश्चन लगाएंगे, साथ में सॉल्यूशन कराऊंगा, वो भी देख सकते हो। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, ताकि आपको आने वाले पार्ट भी मिलते रहें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जहाँ पे दर्पण से क्वेश्चन दिया हुआ है, और जो ये दर्पण से क्वेश्चन है आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कोई दर्पण रख दिया है, आपको इस दर्पण इमेज कैसे बनेगी। बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है, मतलब थोड़ा सा फोकस आप बना के रखोगे डेफिनेटली आराम से हो जाएगा। अगर आप इसमें पाँच बनाओगे ना, देखो पाँच कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से आपका पाँच बनेगा। एक्स में कोई चेंजेस नहीं होता, एक्स एज इट इज़ बनेगा, जेड आपका उल्टा बनेगा, ए में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो पहला और चौथा हो सकता है, दूसरा और तीसरा क्यों नहीं होगा, उनके अंदर पाँच की फॉर्मेशन देखोगे तो किस प्रकार से बन रही है, कोई बिल्कुल सेम बना दिया है और किसी को इस प्रकार से बना दिया नीचे की साइड, जबकि हमारा जो पाँच होगा उसका जो नीचे का पार्ट ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट और फोर्थ में से कोई आंसर होगा। तो अगर फर्स्ट में चेक करोगे जेड को, जेड का फॉर्मेशन उल्टा होगा, सीधा नहीं होगा, हमारे फोर्थ आंसर होगा। बहुत ईजी होता है, और जिस बच्चे ने ये वाला पेपर अटैम्प्ट किया ना फ्रेंड, उसने पता क्या करा है, 20 में से 20 नंबर लेके आए रीजनिंग के सेक्शन में। तो वो आप भी ला सकते हो, बस आपकी प्रैक्टिस जो है डायरेक्शन वाइज रहती है ना, तो डेफिनेटली आप भी रीजनिंग के सेक्शन के अंदर तो 20 में से 20 ले आओगे। मैं अभी को सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ बच्चे ने लगाए और फोर्थ इसका आंसर है, और सारे दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन आपको मैं, बच्चे के 20 में से 20 नंबर आए हैं, डेफिनेटली 20 में से 20 नंबर आ जाएंगे। तो प्रैक्टिस थोड़ी सही से करनी है बस आपको, ठीक है। दर्पण से क्वेश्चन था, बहुत ईजी आराम से हो जाएगा, बस फोकस कभी ना बिगड़े आपका, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका फोकस बहुत अच्छा रहेगा तो 110% 20 में से 20 नंबर आएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ये क्वेश्चन श्रृंखला से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन टफ हो सकता है अगर आपकी बेसिक कैलकुलेशन वीक है, तो डेफिनेटली आप प्रॉब्लम में डाल सकता है। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो डेफिनेटली आप ठीक कर सकते हो, बच्चा भी ठीक करके आया है। देखो करना कैसे है क्वेश्चन को, यहाँ पे आपको श्रृंखला दे दी है, श्रृंखला क्या है, 1248 एक नंबर दे रखा है, 887 दे रखा है, 598 दे रखा है, 429 है, क्वेश्चन मार्क है, 259 है, 234 है, ये नंबर दे दिए, श्रृंखला दे दिए। आप बताने श्रृंखला कैसे इनके में संबंध बन रहा है, कैसे पूरी होगी श्रृंखला। तो अगर एक चीज़ नोटिस करोगे ना आप यहाँ पे, 1248 से 887 के बीच में आप डिफरेंस चेक करोगे तो क्या मिलेगा, ये डिफरेंस आएगा 361 का। और अगर आपने स्क्वायर पढ़ रखा होगा ना, तो आपको झट से याद आ जाना चाहिए कि 361 का स्क्वायर के कहाँ पे आता है, वो आता है 19 पे, ठीक है। एक चीज़ समझ में आई कि 19 का स्क्वायर है डिफरेंस में, तो कहीं ना कहीं स्क्वायर की श्रृंखला चल रही है। आगे चेक कर लो, 887 से 598 के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, तो वो आएगा 289 का, 289 का, और 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का, ठीक है। यहाँ पे आपको स्क्वायर का एक श्रृंखला मिल रही है, समझ में आ रहा है। आगे चेक कर लेते हैं, 598 से 429 के बीच में डिफरेंस चेक कर लो, तो आएगा 169 का डिफरेंस मिल गया, और ये कितने का स्क्वायर होता है, 13 का, ठीक है। अगला जो बनेगा डिफरेंस आपको पता चल जाना चाहिए कि ऑड नंबर का स्क्वायर बन रहा है, और अगला ऑड नंबर क्या होना चाहिए आपका, 11, और 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। अगर 121 429 से माइनस करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या होगी, वो होगी 8, ऑप्शन में 8 चेक कर लो, तो आपको तुरंत दिख जाना चाहिए वो है फोर्थ नंबर पे 308। तो यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 308। टिक करो, आगे बढ़ो। अगर थोड़ी सी भी बेसिक कैलकुलेशन आपकी बिगड़ी हुई है तो ऑब्वियसली मुश्किल में डाल सकता है, तो इसलिए आपको स्क्वायर हो गया, थोड़ा सा जो भी प्लस माइनस होता है उस पर थोड़ा सा काम कर लेंगे, तो डेफिनेटली आप भी विद इन अ टाइम के अंदर ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज छूटेगा या नहीं करके आओगे। बच्चा करके आया है, इस बच्चे की कैलकुलेशन, इस बच्चे का जो रीजनिंग का अटैम्प्ट है बहुत अच्छा है, तो आपको भी इसी लेवल पे अपने आप को लेके आना पड़ेगा, तब जाके आप सिलेक्शन कर पाओगे, क्योंकि ये ही एक्चुअल में कॉम्पिटिशन है, क्योंकि इस बच्चे ने 20 में से 20 नंबर लेके आया है ये रीजनिंग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो इसका, यहाँ पे भी एक श्रृंखला दे दी है, और श्रृंखला किसकी, अल्फाबेट की दे रखी है आपको, तो आपको बताना है कि नेक्स्ट अल्फाबेट क्या होगा। तो ईजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है,
तो अगर आप देखोगे, देखो श्रृंखला क्या है, एफ है, पी है, एक्स है, डी है, एच है, और क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा बताना है। अगर आप देखोगे एफ से मैं पी तक जाऊँ तो कितने लेटर छोड़ रहा हूँ, 10 लेटर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, 10 लेटर प्लस कर रहा हूँ तो मैं आगे मुझे पी मिल रहा है। उसी प्रकार पी से एक्स तक जाने में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 8 लेटर ऐड कर रहा हूँ ना, तो मुझे क्या मिल जा रहा है, एक्स मिल जा रहा है। उसी प्रकार डी, एक्स से मैं डी तक जा रहा हूँ, उसमें मैं 6 लेटर ऐड कर रहा हूँ तो मुझे डी मिल रहा है। उसी प्रकार अगर मैं 4 लेटर ऐड कर दूँ डी में तो मुझे मिल जाएगा एच। तो अब मैं क्या करूँ, सिर्फ और सिर्फ 2 लेटर और ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अपना अगला लेटर वो होगा क्या, जे। तो समझ आ जाना चाहिए आपको कि अल्फ़ाबेट चल रहा है उसके अंदर जो लेटरों का सिक्वेंस चल रहा है ना, वो क्या चल रहा है, 10, 8, 6, यानी घटते क्रम में चल रहा है। अगर आप इसको पकड़ लेते हो डेफिनेटली आप इजीली करके आ जाओगे। और बच्चे ने क्या करा है, थर्ड आंसर मारा है, तो थर्ड का राइट आंसर क्या होगा, थर्ड जे। तो काफ़ी ईजी है, मतलब टफ नहीं है, बस और बस आपकी प्रैक्टिस कैसी है वो डिपेंड करता है। ठीक है, चलते क्वेश्चन पर, फोर्थ पे गणित जिनसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, और 1 से 2 क्वेश्चन इस प्रकार के आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो सॉल्व करते समय आपको बोर्ड मार्क्स का रूल आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सही से सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज गलत हो जाएगा ये। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, अगर आप इस समीकरण को देखोगे और इक्वल्स टू में देखोगे तो आपको देखा 31, यानी कि 2 डिजिट नंबर है, काफ़ी छोटा नंबर है। इस समीकरण को इसके बराबर में लेके आना है आपको, यानी कि 31 के बराबर लेके आना है। और यहाँ पे मुझे राइट आंसर दिख रहा है कि 2 है, क्योंकि आपको वैसे पता तो नहीं होगा क्या राइट आंसर है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स पहले हम डिवाइड का यूज़ करते हैं, तो मैं पहला ऑप्शन चेक करता हूँ, तो प्लस की जगह मैं लगाना है डिवाइड, और डिवाइड की जगह लगाना है मुझे प्लस। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, 13/39, अगर मैं इसको डिवाइड भी कर देता हूँ तो ये मुझे मिलेगा 1:3, और जबकि मुझे चाहिए एग्जैक्ट नंबर, ये मुझे देगा पॉइंट में, तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। आप अगर पहली बार भी चेक करोगे तो वो दे रखा है आपको 13/39, और अगर मैं इसको डिवाइड करने जाऊंगा तो मुझे 1:3 मिलेगा, वो कभी नहीं हो सकता है, इसलिए आपको ये ऑप्शन हटाना पड़ेगा, फिर सेकंड चेक करना ही पड़ेगा हर हालात में। तो अगर मैं सेकंड ऑप्शन में लगाऊं 39 और 117 × 24, अगर मैं इसको काटूं तो ये 3 पे कट जाएगा और ये 8 पे कट जाएगा, यानी कि इसमें से मुझे सिर्फ 8 निकल के आ जाएगा जो मेरे नंबर के बहुत नियर बाय बैठेगा। और मुझे चेंजेस क्या करने हैं, प्लस और माइनस में सिर्फ चेंज करने पड़ेंगे, यानी कि 26+13, ठीक है, 26+13, और प्लस की जगह पे आएगा -8, ठीक है, 26+13 -8 हो गया, इक्वल्स टू मेरा हो गया 31। 26 13 में से 8 चले जाएंगे, बचेगा 5, और 26 में 5 ऐड कर दूंगा 31। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आपको समीकरण अगर 2 डिजिट दे रखा है तो आपको उसी तरीके से सोचना है कि मैं कितनी छोटा कर सकता हूँ इसको समीकरण को, ताकि वो इक्वल्स टू बैठ जाए उसके, ठीक है ना। अगर आप डिवाइड को देखोगे, मैं प्लस के बाद डिवाइड रख भी दूंगा तो वो समीकरण पूरा कटेगा नहीं, यानी कि 13/39 करूंगा तो कितना होगा, 1:3 आएगा, जबकि मुझे एग्जैक्ट नंबर चाहिए, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने आने चाहिए, तभी आप जो है इसको सही तरीके से कर सकते हो। समीकरण के अंदर एक एक ऑप्शन पुट करोगे फिर उसको सॉल्व करे जाओगे, तो आपको तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा ताकि आप समय के अंदर सॉल्व कर सको। बच्चा इसका राइट आंसर करके आया एकदम सही, तो इसलिए फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा, सेकंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ। वैन डायग्राम से क्वेश्चन है, कथन को पढ़ते हुए अपना डायग्राम बनाएंगे, फिर निष्कर्ष को पढ़ेंगे, आंसर करेंगे अपना। तो कथन क्या बोलता है, सभी बिल्लियाँ चूहे हैं, सभी बिल्लियाँ, सी से लिख लेंगे बिल्लियों को, क्या हैं, वो चूहे हैं, ठीक है, और कुछ चूहे सफ़ेद हैं, कुछ चूहे क्या हैं, सफ़ेद हैं, ठीक है, यहाँ बन जाए कुछ चूहे हमारे सफ़ेद हैं, ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम अड़ा टेढ़ा बन जाए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी उससे। और फिर बोलता है आगे, सभी सफ़ेद दूध हैं, ठीक है, सभी सफ़ेद क्या हैं, दूध हैं, मिल्क, ठीक है, ये हमारा बन गया डायग्राम कथन को पढ़ने के बाद। निष्कर्ष पढ़ लो, कुछ चूहे बिल्लियां हैं, ऑब्वियसली कुछ चूहे बिल्लियां होंगी क्योंकि सभी बिल्लियां चूहे हैं, तो उसके अंदर से कुछ चूहे हमारी बिल्लियां भी निकल के आएंगी। तो राइट आंसर पहला निष्कर्ष ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। आगे पढ़ लो, कुछ सफ़ेद चूहे हैं, ऑब्वियसली क्योंकि कथन में बोला गया था कुछ चूहे सफ़ेद हैं, तो कुछ सफ़ेद चूहे भी होंगे उसके अंदर, तो निष्कर्ष सेकंड भी अनुसरण करेगा हमारा। निष्कर्ष थर्ड पढ़ लो, कुछ दूध सफ़ेद हैं, ऑब्वियसली क्योंकि सभी सफ़ेद दूध थे, तो उसके अंदर से कुछ दूध सफ़ेद भी होंगे, तो निष्कर्ष सेकंड भी हमारा अनुसरण करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन एक इसका राइट आंसर होगा, बच्चा भी इसका राइट आंसर करके आया एक। तो बहुत ईजी होता है, टफ नहीं होता है, अपना डायग्राम बना लो, आराम से निष्कर्ष पढ़ लो, आंसर करके आ जाओगे, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
यहाँ पे आपको दे रखा है सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन दे रखा है, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको पहले अपना प्रॉपर डायग्राम बना लेना है, उसका आंसर करना होता है। देखो कैसे करना है इसको, यहाँ पढ़ लो। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परतः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो परतः का मतलब होता है चारों ओर, जो हिंदी के शब्द होते हैं उनको पता होना चाहिए आपको। तो परतः का मतलब होता है चारों ओर। आगे पढ़ लो। एक मेज मतलब मेज बना लेते हैं हम, कैसा है वृत्ताकार मेज है, तो यहाँ पे मैं मेज बना लेता हूँ, ये वृत्ताकार मेज है। 1 2 3 4 5 6, 6 विद्यार्थी बैठे हुए हैं और क्या आगे बोलता है, उनका मुख जो है केंद्र की ओर है, ए सी के बाएं ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, अगर मेरा सी यहाँ बैठा है तो ए कहाँ बैठेगा, मेरा बाएं एकदम बगल में, ये बैठ गया। आगे पढ़ लो। ई जो है डी के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, ई कहाँ बैठेगा, डी के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर। अगर मैं डी को यहाँ बिठा दूँ, ये लो डी को मैं यहाँ बिठा दूँ, तो ई कहाँ बैठेगा, दाएं ओर से तीसरे स्थान पे। तो मेरा दाया डी का दाया कहाँ होगा, इस साइड चलेगा, ठीक है ना, इस साइड चलेगा। तो यानी कि 1 2 3 ए के पास बैठेगा ई, यानी कि मेरा जो ई बैठेगा वो ए के पास बैठेगा यहाँ पे। आगे पढ़ लो। डी जो है सी के ठीक बगल में बैठा है, डी जो है देख सकते हो बिल्कुल बगल में बैठा है। ठीक है, आगे पढ़ लो। बी ई और एफ दोनों के ठीक बगल में बैठा है, कौन, बी, तो कहाँ बैठेगा, बी और बी जो है ई और एफ के बगल बैठेगा। तो यानी कि अगर मैं बी को यहाँ बिठा दूँ तो ई के भी बगल में हो गया और एफ के भी बगल में आ जाएगा, तो मेरा एफ यहाँ बैठ गया। ठीक है, आगे क्या बोलता है क्वेश्चन में, क्या बोलता है आपको, ए के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ए का बायां कहाँ होगा, ए का बायां इस साइड होगा और दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ। तो बहुत इजी होता है अगर आप वेन डायग्राम डायग्राम को प्रॉपर तरीके से बना लेते हो, ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हो, तो आराम से आंसर करके आओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बच्चा भी इसका राइट आंसर करके आया, देख सकते हो 6 क्वेश्चन में देख लिया हमने, बच्चे ने एक भी गलत नहीं किया अभी तक, तो काफ़ी अच्छी उसकी रीजनिंग हो रखी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अब बहुत ही कॉमनली पूछे जा रहे हैं हर एक एग्जाम के अंदर, जो भी रीजनिंग के सेक्शन होते हैं उसमें क्वेश्चन बहुत ही देखने को मिल रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस करके चलनी है। इसमें आपको समय भी, अगर आपका सही से प्रैक्टिस नहीं होगी, अगर सही से आपका स्ट्राइक नहीं कर पा रहा है दिमाग में, तो प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज़ अगर स्ट्राइक कर जाएगा तो बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे आपको संबंध बनाना होता है, जैसे कि आपको ये दो दे देंगे ब्रैकेट में नंबर, इन दोनों के अंदर जो संबंध होगा वो ऑप्शन के अंदर ढूंढना होगा, वो किस में बन रहा है। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे ना इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे आपको 3 नंबर दे दिए हैं, उन 3 नंबर को करना क्या है कि कैसे भी करके इनका संबंध बना के आपको चेक करना है। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे ना, 8 और 5 को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होता है, 8 × 5 = 40, और इसके अंदर अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई कर दूँ कॉमन नंबर का तो कितना होगा, 280। तो इन्होंने यही करा है, पहले और तीसरे नंबर को करा है मल्टीप्लाई, उसके अंदर एक कॉमन नंबर निकाल के ले गए 7, 7 को करा है मल्टीप्लाई, जिससे हमारा बीच का नंबर बन के आ रहा है। बस यही करना है आपको, यानी कि 11 × 4 करूँगा तो होगा 44, इसमें अगर मैं 7 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो होगा 308। बस यही ऑप्शन में चेक कर लेना कहाँ पे सेट बैठेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है तीसरे वाले में सही जा रहा है, तो अगर मुझे वहाँ पे ऑब्वियसली मुझे वहाँ राइट आंसर तो नहीं पता होगा, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं पहले में चेक करूँगा तो 6 और 9 अगर मैं देखता हूँ, 6 और 9 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना होगा, 54 होगा। 54 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना होता है, देखो 7 चौक कितना होता है, 28, जबकि यहाँ पे लास्ट का नंबर क्या रहेगा, 0, यानी कि ये नहीं होगा। उसी प्रकार से आप सेकंड चेक करोगे तो ये होगा 45, 45 में अगर 7 को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा, ये होगा एंड का जो नंबर आएगा मैं बता रहा हूँ आपको, वो होगा 5, और जबकि यहाँ पे क्या क्या दे रखा है आपको, 0, तो ये भी नहीं होने वाला है। उसी प्रकार से आप थर्ड चेक करोगे तो ये कॉम्बिनेशन बैठेगा आपका, ठीक है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा ऑटोमेटिकली। बस आपको ये स्ट्राइक कर जाए आपके दिमाग में कि संबंध कैसा बैठ रहा है। अगर पहले बार में आपका दिख गया कि हाँ मेरा ये संबंध बैठ रहा है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को करके आ जाओगे। और इस क्वेश्चन को बच्चे ने कर रखा है, उसका भी इसमें राइट आंसर है तीसरा, और 7 क्वेश्चन तक हो गए, उसका एक भी गलत नहीं हुआ अभी तक। तो देख सकते हो कितनी अच्छी उसकी प्रैक्टिस है। तो ये क्वेश्चन जो आपको इसी तरीके से करना होता है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे भी जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पे आपको अल्फाबेट नंबर दे दिए हैं, तो जिस प्रकार से दूसरा पहले से संबंधित है, चौथा तीसरे से संबंधित है, तो छठा कैसे संबंधित होगा पाँचवें से, आपको वो बताना है।
तो आपको यहाँ पे श्रृंखला एक तरीके से पूरी करनी है, खाली जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या आएगा वो बताना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ईजी क्वेश्चन है, पर अगर नहीं बना होगा सही से आपका तो टफ भी हो सकता है, बहुत ईजी है। देखो क्या करना क्या है, सी दे रखा है, सी का कॉम्बिनेशन ई से कैसे हो रखा है कि एक लेटर छोड़ दूँ तो मुझे ई मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ओ से एक जस्ट आगे चला जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, क्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो ई का संबंध, सी का संबंध ई से हो रखा है, ओ का संबंध क्यू से है, तो बस यही करना है आपको कि जो संबंध यहाँ पे पता कर लेने कैसे बन रहे हैं, उसी प्रकार से फिर आपको पाँच वाले में लगा के छठा वाला निकल आएगा उसी प्रकार से। तो अगर आप देखोगे ना यू, यू में जस्ट मैं आगे चला जाऊँ एक लेटर छोड़ दूँ अगर मैं, तो क्या मिले, क्या मिलेगा मुझे, देखोगे डब्ल्यू मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, वी छोड़ूंगा तो यहाँ पर डब्ल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको चीज़ समझ आ चुकी होगी कि अगर मैं एक एक लेटर छोड़ता जाऊँ तो मुझे आगे वाला अपना एक लेटर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो हम सीधे चलते हैं विजडम के पास और अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो डब्ल्यू के अगर मैं एक आगे चला जाऊँ, यानी कि डब्ल्यू के बाद क्या आता है एक्स, एक्स को छोड़ दूँ तो यानी कि वाई मेरा अगला पहला लेटर होगा, ठीक है। आप ऑप्शन चेक करना चालू कर दें इसी से ही। अगर आप देखोगे ना तो आपका ना पहले में वाई दे रखा है, ना दूसरे में वाई दे रखा है, ना तीसरे में वाई दे रखा है, चौथे में वाई दे रखा है। आंसर टिक करो और आगे बढ़ो, आगे सॉल्व मत करो कि आपको एक एक लेटर चेक मत करो, बस आपका पता चल जाए कि पहला लेटर मेरा क्या बन रहा है और ऑप्शन में सिर्फ एक ही लेटर वो दे रखा है, तो टिक करो और आगे बढ़ो मत सॉल्व करो, ठीक है। बस आपका कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि मैंने जो संबंध बनाया है ना वो एकदम ठीक है, तो बस वो अप्लाई कर दो अपने एंड वाले पे और आंसर करो आगे निकल जाओ। टाइम बर्बाद मत करो, टाइम बचाओ और अगले क्वेश्चन पे लगाओ, ठीक है ना। बच्चे ने भी राइट आंसर कर रखा है देख सकते हो, आठवें का फोर्थ, और अभी तक एक भी क्वेश्चन का गलत नहीं हुआ है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नौ नौ की तरफ। यहाँ पे आपको ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। देखो करना कैसे है, यहाँ पे इन्होंने बोल दिया माइनस का मतलब है पिता, डिवाइड का मतलब है पिता, सॉरी माइनस का मतलब है माता, डिवाइड का मतलब है पिता, प्लस का मतलब है बहन और मल्टीप्लाई का मतलब है भाई। तो बस ये आपको इसमें लगा देना और अपना आंसर कर देना है। देखो कैसे करना है, यहाँ पे जो ना फीमेल होंगी, सॉरी जो यहाँ पे फीमेल होंगी ना उनको हम सर्कल से दिखाएंगे, सर्कल के अंदर डाल देंगे, और जो मेल होंगे ना उनको हम डाल देंगे ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। तो करना कैसे है इसके अंदर, देखो टी है, टी के बाद दे रखा है मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई पे दे रखा है भाई, तो टी भाई है, टी भाई है किसका, यू का, ठीक है ना। टी भाई है यू का, यू के बाद हमें क्या दे रखा है डिवाइड का निशान, और डिवाइड पे देखोगे पिता, यू पिता है किसका, सी का, सॉरी डी का, यू पिता है डी का। उसके बाद अगर देखोगे मल्टीप्लाई दे रखा है, मल्टीप्लाई में क्या दे रखा था भाई, यानी कि डी भाई है, डी भाई है किसका, सी का, सी के बारे में कुछ पता नहीं छोड़ देंगे, ठीक है। यानी कि टी भाई है यू का, यू पिता है डी का और डी भाई है सी का। तो रिलेशन क्या बताना, टी और सी में, टी और सी में क्या रिलेशन निकल के आएगा, क्योंकि ये दोनों भाई भाई है, टी भाई है यू का और यू पिता है किसका, डी का। तो इसी प्रकार सी का पिता कौन होगा, यू, तो और टी और यू कौन है, भाई भाई है, तो क्या संबंध बन के आएगा, चाचा ताऊ का। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा, बहुत इजी होता है, मतलब टफ तो होता नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप देख सकते हो एग्जाम के अंदर आ रहे हैं, तो टफ नहीं है, जीडी के लास्ट ईयर ही एग्जाम है, मतलब 23 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, तो ईजी क्वेश्चन है, मुझे तो लगा नहीं टफ है, आराम से हो जाएगा, बच्चे ने भी इसका आंसर कर रखा है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये भी देखो मैंने बोला था ना ये भी गणित जिनसे क्वेश्चन आया हुआ है, सेम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से हो जाएगा अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे ना। बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो आपको डिवाइड पहले करना होता है, और लास्ट नंबर जो है ना इक्वल्स टू के बराबर में टू डिजिट नंबर दे रखा है, वो भी बहुत ही छोटा नंबर है। तो आपको क्या करना है, अगर आप पहला ऑप्शन चेक करते हो कि आप अगर ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहते हो, तो मैं प्लस और माइनस में चेंज करने बोल रहे हैं ये, क्या ये चेंज करके कुछ हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं प्लस लगा दूँ या माइनस लगा दूँ तो क्या डिवाइड हो सकता है आपस में, 6 और 24 को डिवाइड कर दूँ तो कुछ होगा या फ़ायदा मिलेगा मुझे। यहाँ मैं काट भी दूंगा, अगर 1:2 कितना आएगा, 4 हो जाएगा, और ये है मल्टीप्लाई में कितना, 8 है, ये 2 हो जाएगा, तो क्या ये मेरी वैल्यू 30 के बराबर आ जाएगी, कभी नहीं आएगी, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, ये तो 84 पहुंच जाएगा, जबकि मुझे 30 के बराबर लाना है, तो इसलिए पहला ऑप्शन ठीक नहीं बैठेगा, पहला ऑप्शन नहीं लगा सकता हूँ मैं। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई करती वैल्यू कितनी बड़ी हो जाएगी, ये तो कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर डिवाइड मेरा यहाँ पे भी रहता कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई इतनी इतनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा, 30 के बराबर आएगा नहीं। चौथा थर्ड ऑप्शन देखोगे ना आप, तो ये बोल रहे हैं कि आप
चेंजेस कर दो मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन को। तो अगर मैं चेंज भी कर देता हूँ, 8 × 6 और मल्टीप्लाई बाय 24, ये कट गया, ये कितने पे आ जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 32। कितनी बड़ी वैल्यू बन गई, ये कभी हो पाएगा सॉल्व? ये 72 है, जबकि ये तो कभी नहीं हो पाएगा, यानी कि नहीं होगा। तो यानी कि मुझे इन्हीं को ही छोटा करना पड़ेगा ताकि मेरा आंसर निकल के आ सके। तो यानी कि मेरा डिवाइड कहाँ पे जाना चाहिए? मेरा डिवाइड जाना चाहिए इसके पास, 72 के पास। और अगर मैं 72 के पास में डिवाइड लेके जाता हूँ तो ये कट के आएगा 6, ठीक है ना। ये अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, यानी कि फोर्थ ऑप्शन का यूज़ कर लेता मैं पहली बारी में, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं इसको छोटा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 6, और फिर ये मेरा हो जाएगा +8 × 6 − 24। अब इस समीकरण को सॉल्व कर लो आप, तो ये कितना हो जाएगा 48 + 6 है ही मेरे पास, माइनस में 24 है, तो ये कट जाएगा, 18 बचेगा। 48 में से 18 निकाल दूंगा तो 30 बचेगा। तो इजीली हो जाएगा, बस आपको ये समझने वाली बात होगी कि जो डिवाइड हो रहा है ना, और किस तरीके से जो समीकरण में छोटा कर सकता हूँ, बस उसको आप खोज लोगे ना तो आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। और इसका जो राइट आंसर होगा, आपको दिख रहा है फोर्थ है, बच्चा भी फोर्थ करके आया है, तो आराम से हो सकता है। बस आपको बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड जो होगा ना, उसका रूल कहाँ पे लगाना है, वो कहाँ पे फिट हो रहा है, वो देखना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले एलिमिनेट कर दो कि कहाँ पे मल्टीप्लाई दे रखा है, कहाँ पे डिवाइड दे रखा है, उसको चीज़ को पहले ढूंढना चालू कर दो। अगर मैं इसको नॉर्मली अगर ये मल्टीप्लाई को भी लगाने जाता है, तो ये कई बड़ी कितनी बड़ी वैल्यू बन जाएगी, 72 12 बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी। तो आपको ऑटोमेटिक समझ आना चाहिए कि ये तो होने वाला नहीं, क्योंकि मुझे 2 डिजिट नंबर चाहिए, 3 डिजिट नंबर नहीं चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन थर्ड ऑटोमेटिकली कट जाएगा, ऑप्शन सेकंड ऑटोमेटिकली कट जाएगा। तो ये एक तरीका है इसको करने का आपको, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन आया है जीडी के अंदर, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं लग रहे कि बहुत टफ क्वेश्चन है। बच्चे ने, मतलब इस बच्चे ने सारे क्वेश्चन टिक करके रीजनिंग के, सरप्राइज हुए मतलब मैं देख के कि सारे क्वेश्चन टिक है, एक भी गलत नहीं है इसका। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक आपको आकृति दे दी है और उसका रोटेशन हो रहा है, बस वो रोटेशन आपको पता करनी कैसे आएगा फोर्थ में, कैसा बनेगा रोटेशन। तो बहुत ईजी क्वेश्चन, देखो पहले रोटेशन कहाँ पे हो रहा है, इस साइड हो रहा है, यानी कि पूर्व की ओर, फिर उत्तर की ओर, फिर पश्चिम की ओर, तो अब दक्षिण की ओर होगा इस प्रकार से। तो पहले एरो नीचे की तरफ आएगा, चेक कर लो, ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा, ऑप्शन सेकंड हो सकता है मान लेते हैं, ऑप्शन थर्ड नहीं होगा, ऑप्शन फोर्थ हो सकता है, ठीक है। एरो के बाद हमारा स्टार किधर होगा, इसके पश्चिम की ओर होगा इस प्रकार से। अगर आप पश्चिम के कहाँ कहाँ दे रखा है स्टार आप देख सकते हो, तो सेकंड वाले में नहीं होगा क्योंकि वो दे रखा है पूर्व की ओर, जबकि हमें चाहिए पश्चिम की ओर। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड फोर्थ। तो बहुत इजी था, मतलब पेपर टफ नहीं था, मुझे तो नहीं लगा। एक दो क्वेश्चन को निकाल दूँ तो वही थोड़ा बहुत टफ हो सकते हैं बच्चे के लिए, अदरवाइज बहुत इजी पेपर है, 20 में से 20 आने तैयार बच्चे के, अगर उसकी सही से प्रैक्टिस है। इस बच्चे का पेपर देख सकते हो, 20 में से 20 नंबर लाया हुआ है, 11th का भी आंसर इसने 4 कर रखा है, बहुत ईजी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, ठीक है। एक आपको ना जनरली मैंने देखा है ये क्वेश्चन आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, कि आपको एक आकृति दे देंगे और वो आकृति हाइड होगी चारों ऑप्शन में किसी में, वो आपको ढूंढनी होगी। तो आप यहाँ पे देखोगे ना, जो ये आकृति है वो हाइड है फोर्थ ऑप्शन में, बस यहाँ पे जो है ना इसका जो नीचे की जो पेंसिल है ना वो गायब हो रखी है, ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं आई है। बाकी इसका आंसर फोर्थ ही मैंने चेक किया है, तो आपको ये ध्यान रखना है, या तो ये गलत यहाँ पे छप गया है, ठीक है, बाकी आपको दिख जाएगा फोर्थ इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आकृति हाइट के भी क्वेश्चन आएंगे, बहुत ईजी होते हैं, बस फोकस वाली बात है। पेपर देते में आपका फोकस आपकी स्क्रीन पर अच्छे से रहेगा, डेफिनेटली अच्छी तरह से कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1 से 2 क्वेश्चन आने तय हैं आपके एग्जाम के अंदर, तो ये दूसरा क्वेश्चन है इस सेट के अंदर। तो देख सकते हो, 6 मित्र एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। 6 मित्र जो हैं एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ये 6 मित्र हो गए, इनका केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, अमन जो है विप्लव के बाएं और तीसरे तल पर बैठे हैं। तो हमारा विप्लव है, सॉरी हमारा विप्लव तो नहीं है, विप्लव जो है यहाँ कहीं बैठा हुआ है, यहाँ से इसमें लिख लूँ जरा, विप्लव जो है यहाँ बैठा हुआ है, और विप्लव के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, अमन। अगर तो विप्लव का बाया धड़ होगा तो अमन कहाँ बैठने वाला है, अमन बैठेगा आपका तीसरे स्थान पर, यहाँ पे अमन, ठीक है। आगे क्या बोलता है क्वेश्चन देख सकते हो, आगे चिरंतन अमन के ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। अब वो बाएं बैठा है दाएं बैठा है ये किसी ने बताया, हम आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। आगे पढ़ोगे, एलिजाबेथ दिव्या के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है, ठीक है। तो अगर मैं दिव्या को यहाँ बिठा दूँ
ये देखो दिव्या मेरी यहाँ बैठती है, अगर ब्लैक से लिख देता हूँ दिव्या को, अगर दिव्या यहाँ बैठती है तो इसके बाएं कहाँ होगा, इसका बाएं इधर होगा, और दूसरे स्थान में कौन बैठी है, एलिजाबेथ, ठीक है, यहाँ पे हमारी बैठ गई एलिजाबेथ, हमारी नहीं है जो हमारी निकल रही बार बार, एलिजाबेथ जो है यहाँ बैठी है, ठीक है। आगे पढ़ लो क्वेश्चन को, चिरंतन दिव्या के ठीक बगल में नहीं है, चिरंतन जो है दिव्या के ठीक बगल में नहीं है, तो यानी कि दिव्या के बगल में कौन बैठने वाला है, क्योंकि दो ही स्थान खाली बैठे हैं हमारे पास, तो दिव्या के बगल में बैठेगा कौन, एक बचा है फिरोज, तो फिरोज कहाँ बैठने वाला है, दिव्या के बगल में, यानी कि यहाँ पे अमन और दिव्या के बीच में बैठेगा फिरोज, ठीक है, फिरोज यहाँ बैठ गया, तो अब बचा कौन, एक बचा हुआ है, वो कौन है, चिरंतन, वो यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, बिप्लव और फिरोज के बीच में कौन बैठा है, कौन बैठी है, तो फिरोज और बिप्लव के बीच में बैठी है दिव्या, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। तो देख सकते हो अगर थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा, बच्चे ने भी इसका राइट आंसर करके आया है, तो आराम से हो सकता है, बस थोड़ा टाइम इसमें आपको निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, तभी ये हो सकता है, अदरवाइज गलत होने के चांस हो सकते हैं ये, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, अब ये देख सकते हो बहुत इजी है, यहाँ पे आपको एक भाषा दे देंगे, उसका कूट दे देंगे, तो आपको बताना है कि जो ये भाषा लिखी है इसका क्या राइट आंसर होगा, तो इसका कूट आपको बनाना है, तो अगर आप देखोगे ना, ट्रिप लिख रखा है, TRIP, तो इसका जो कूट क्या बना रखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है, ठीक है, उसी प्रकार आर का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट होता है आपका आई, ठीक है, उन्होंने भी वही लिख रखा है, आर का अपोजिट आर होता है, तो आई का अपोजिट क्या होगा, आर होगा, ठीक है, पी का अपोजिट क्या होगा, पी का अपोजिट होता है के, तो बस आपको इसी प्रकार से होम का अपोजिट लिखना है, आपका आंसर आ जाएगा, बहुत ईजी है, पहली नज़र में पकड़ में आ जाएगा, तो कोई समस्या नहीं होगी, तो होम का अपोजिट क्या होगा, एच का अपोजिट क्या होता है, अगर आपने अल्फाबेट प्रॉपर तरीके से पढ़ रखे होंगे तो आपको आराम से हो जाएगा, एच का अपोजिट होता है एस, ओ का अपोजिट होता है आपका एल, एम का अपोजिट होता है एन, और ई का अपोजिट होता है आपका वी, ठीक है, चेक कर लो कहाँ पे बन रहा है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो एस एल एन वी, जरूरी नहीं है, अगर आप पहले ऑप्शन को चेक कर लो कि एच का अपोजिट होता है एस, ऑप्शन में सिर्फ एक ही जगह पे एस देगा, आंसर टिक करो और आगे बढ़ो, जरूरी नहीं है कि आपको एक एक चीज़ को सॉल्व करके फिर ही आपको आंसर करना है, बस आपको पता चल जाना चाहिए कि जो कूट लिखा हुआ है कैसे लिखा गया है, उस भाषा को बस निकाल लेना है, और आपको उसको अपने क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू फिट करके उसको आंसर करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ, और बच्चे ने फोर्थ कर रखा है, 14 क्वेश्चन होगा, उसका एक भी गलत नहीं हुआ है, तो प्रिपरेशन इसी तरीके से कर रही है आपको, ताकि आप भी ऐसे ही नंबर लेके आएँ अपने, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, यहाँ पे आपको दे दिया है, एक भाषा दे दी है, उसकी कूट लिख दिया गया है, तो उसी प्रकार से आपको बताना है चॉकलेट का कूट क्या होगा, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना चीज़ को, ब्रदर लिख रखा है, और ब्रदर में कितने लेटर आ रहे हैं, सात आ रहे हैं, अगर आप काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, सात लेटर आ रहे हैं, इस सात को मल्टीप्लाई करा 2 से, तो आ गया आपका 14, बस यही करना है, तो चॉकलेट को देखो कैसे लिख रखा है इन्होंने, चॉकलेट में कितने लेटर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 × 2 = 18, इसका आंसर होगा, तो इजी है, बहुत इजी है, मतलब टफ नहीं है, मतलब जो ये वाला सेट बना रखा है ना, मैंने पिछले दो सेट देखे थे, उस पर मुझे थोड़े क्वेश्चन टफ दिखे थे, पर सेट थर्ड के अंदर तो इजी पेपर है, सही में भाई, इस बच्चे के बीच में से 20 नंबर आए हुए हैं, तो मुझे लगा कि सेट सेकंड जो है, थर्ड वाला जो सेट बनाया गया है ना, 17 तारीख का, 17 जनवरी का, 2023 का, वो ईजी है बाकी के मुकाबले, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन को, इसमें भी आपको क्या नाम है, श्रृंखला पूरी करनी है, क्वेश्चन दे रखा है, तो श्रृंखला पूरी करते अपना आंसर करना है आपको, देखो करना क्या है, इजी क्वेश्चन है, बस आपको अल्फाबेट का थोड़ा सा फिर सिक्वेंस आपको फॉलो करनी है, करना क्या है, बी है, अगर मैं बी के जस्ट एक आगे जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, डी, यानी कि एक लेटर छोड़ दूँ मैं तो मुझे मिलेगा डी, यहाँ पे आप देख सकते हो, बी के एक लेटर छोड़ा मुझे मिलेगा डी, उसी प्रकार अगर मैं एक लेटर और आगे चला जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, यानी कि मैं ई छोड़ दूँ तो मुझे एफ मिल जाएगा, उसी प्रकार अगर मैं जी छोड़ दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, एच मिल जाएगा, तो मुझे जो फोर्थ पे चाहिए मेरा पहला लेटर क्या मिला, एच,
ऑप्शन चेक कर लो आप पहले, ऑप्शन चेक करोगे सभी में एच दे रखा है, ऑप्शन फोर्थ को छोड़ के यानी कि तीन में से कोई आंसर हो सकता है, आगे चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, हमें पता चल चुका है हमारा थर्ड लेटर फोर्थ लेटर मिल चुका है पहले में, आगे चेक कर लो। टी है, टी के अगर मैं जस्ट एक छोड़ दूँ तो माइनस मतलब एक लेटर पीछे चला जाऊँ यानी कि एच छोड़ दूँ तो मुझे मिलेगा आर। ठीक है, उसी प्रकार एक लेटर में माइनस कर दूँ यानी कि इसमें से एक लेटर और निकाल दूँ मैं क्या क्यू, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे पी। उसी प्रकार अगर मैं ओ निकाल दूँ यहाँ से एक लेटर और पीछे कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा एन। ठीक है, तो यानी कि मेरा सीक्वेंस का सेकंड लेटर मिल चुका है एन। अगर आप चेक करोगे ऑप्शन थर्ड भी नहीं होगा, फर्स्ट और सेकंड में से कोई आंसर होगा, आगे चेक कर लेते हैं अब हम। अगर मैं आगे चेक करता हूँ तो अगर देखोगे आप मेरा दे रखा डब्ल्यू, डब्ल्यू के अगर मैं क्या कर रखा है इन्होंने सेम देखोगे ना डब्ल्यू में भी इन्होंने माइनस कर रखा है यानी कि अगर एक लेटर छोड़ दूँ कौन सा वी माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा यू। उसी प्रकार एक लेटर माइनस कर दूँ टी तो क्या मिलेगा मुझे एस। उसी प्रकार अगर एक लेटर और निकाल दूँ आर तो क्या मिलेगा मुझे क्यू। तो अगर ऑप्शन चेक करोगे ऑप्शन सेकेंड के अंदर क्यू दे रखा है, मेरा राइट आंसर क्या होगा सेकेंड। तो यहाँ पे सिक्वेंस कैसा चल रहा है, स्टार्टिंग में एक लेटर प्लस हो रहा था और फिर बाकी दो में क्या हो रहा है एक लेटर माइनस हो रहा है यानी कि बाकी दो श्रृंखला में लेटर माइनस हो रहा है यानी कि फोर्थ तो जब मैं लेटर निकालूंगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर एक लेटर मेरा प्लस होगा यानी कि जो एच वाला दे रखा है ना एच वाला। देखो आगे अगर जाता हूँ एच में मैं तो मुझे क्या मिल रहा है जे, यानी कि अगर मैं इसमें एक लेटर प्लस कर दूँ आई तो जे मिलेगा। उसी प्रकार एक लेटर में प्लस कर दूँ के तो मुझे मिलेगा एल। उसी प्रकार एक लेटर में प्लस कर दूँ एम तो मुझे क्या मिलेगा एन। तो ये सीक्वेंस ऐसे फॉलो हो रहा है, तो पहला लेटर प्लस फिर माइनस फिर माइनस फिर प्लस, ये सीक्वेंस फॉलो किया गया है और इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सेकंड, बच्चे ने करके आया सेकंड यानी कि उसकी जो प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छी है, आपको भी इसी डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन करनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, 250 क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, मतलब विद इन अ 20-30 सेकेंड के अंदर ही क्वेश्चन हो जाएगा। क्या करना होता है, चाहे आपको नंबर दे दे चाहे आपको लेटर दे दे, सीक्वेंस में क्या होना चाहिए क्या फॉलो करना है आपको, दो नंबर कहाँ पे सेम दे रखे हैं दो लेटर कहाँ पे सेम दे रखे हैं वो उठा लो डाइस। जैसे कि पहला और दूसरा लेटर, अब दूसरा डाइस देखोगे पहला और दूसरा देखोगे उसके अंदर आपको तीन जो नंबर है ना वो कॉमन दे रखा है, तो क्या करना है आपको पहले वाले का क्लॉक वाइज लिखना चालू कर दो यानी कि तीन पहले लिखो पाँच लिखो छः लिखो यानी कि क्लॉक वाइज इस तरीके से जैसे घड़ी चलती है ना वैसे लिख लो आप। फिर उसी के साथ में आपको जो सेकंड वाले में जो सेम दे रखा है उसी के नंबर को क्लॉक वाइज लिख लो उनके नीचे यानी कि तीन के नीचे तीन आएगा, तीन के नीचे हमारा तीन आएगा, पाँच के नीचे हमारा दो आएगा और छः के नीचे हमारा एक आएगा। ठीक है, तो यानी कि अब हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से ये पता चल रहा है कि पाँच का अपोजिट होगा दो, छः का अपोजिट होगा एक, और हमारे एक डाइस के अंदर छः ही नंबर होते हैं जिसमें चार में मिल चुके हैं। क्वेश्चन पूछा गया चार के विपरीत कौन सा नंबर आएगा, तो आपको पता होना चाहिए चार के विपरीत क्या आएगा तीन आएगा क्योंकि हमें चार नंबर मिल चुके हैं, बचे हुए दो नंबर हमें ढूंढने हैं, तो दूसरा और जो दो नंबर बचे हैं वो कौन से हैं चार और तीन है, तो चार के अपोजिट क्या होगा तीन होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा थर्ड। तो इसी तरीके से आपको फॉलो करना है कि जो भी जैसे आपको दो ही अगर डाइस दे रखे होते तो आपको बस ये ढूंढना होता कि कौन से दो नंबर सेम दे रखे हैं उसको आपको क्लॉक वाइज उनके नीचे लिखना चालू कर दें, आपको ऑटोमेटिकली अपने नंबर मिल जाएंगे, उनके अपोजिट नंबर ही निकल के आते हैं वो। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर क्या है थर्ड, बच्चा भी इसका थर्ड करके आया है यानी कि 17 क्वेश्चन होगा उसका एक भी गलत नहीं हुआ अभी तक। 18 क्वेश्चन नंबर देख लो आप, यहाँ पे आपको एक नंबर दे दिए नंबर की श्रृंखला दे दी है और बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो करना कैसे है देखो 24 है 16 है सॉरी 26 है, क्वेश्चन मार्क है 164 है 658 है और 3292 है। ठीक है, उतना दूर तक हम जाएंगे नहीं, हम उसे पहले कर लेंगे। 24 और 26 देखोगे ना तो क्या करा है सिक्वेंस क्या है यहाँ पे, इन्होंने करा क्या है 24 × 1 + 2, एक ये आपको फॉर्मेशन आपको फॉलो करना है आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 26 से क्वेश्चन मार्क की तरफ जाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको 26 × 2 + 2, जब आप ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 52 × 2 = 54, इसका राइट आंसर क्या होगा 54। ठीक है ना, आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो आगे चेक कर लेने 54 × 2 + सॉरी × 3, मल्टीप्लाई में जो नंबर होगा वो एक एक बढ़ता जाएगा तो
थ्री प्लस टू, टू कॉमन रहेगा, तो अगर इसको करोगे तो कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, 12, 1 15 और 1 16 प्लस 2 64, तो यहाँ पे 64 आया। तो ये सीक्वेंस फॉलो करना है, यानी कि 24 में मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, 2 कॉमन रहेगा, बाकी जो मल्टीप्लाई होंगे एक एक नंबर आगे बढ़ते जाएंगे, तो इसलिए इसका नंबर, इसका जो राइट आंसर 54 है, और बच्चे का भी देख सकते हो सेकेंड इसका फोर्थ इसका राइट आंसर दे रखा उसने, तो काफ़ी अच्छा पेपर उसने अटैम्प्ट किया है। चलते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, ठीक है। 19 में क्या करना है आपको, संबंध निकालना है, जैसे कि दूसरा पहले संबंधित है तो चौथा तीसरे से कैसे होगा। अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो उड़ीसा की राजधानी क्या भुवनेश्वर है, बहुत ईजी है। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं, जो ये थर्ड सेट बनाया था ना इसका रीजनिंग का, जीडी वाला 17 तारीख का, बहुत ईजी है, मतलब मुझे तो टफ नहीं लगा, आराम से 20 नंबर आ सकते हैं बच्चे के, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आते हैं जीडी के अंदर रीजनिंग के सेक्शन में, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, देख सकते हो यहाँ पे। इस क्वेश्चन में आपको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार ये सारे शब्द लगाने हैं, जैसे कि ए पहले पे आता है, बी सेकंड पे आता है, सी थर्ड पे आता है, तो जो भी लेटर्स दे रखे हैं, जो भी वर्ड्स दे रखे हैं, उनके लेटर्स को आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग लगाने हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे 5 आपको वर्ड्स दे रखे हैं और उनके लेटर्स देखोगे तो बी आर आपको सभी में दे रखा है, यानी कि 5ों में बी आर पहले दे रखा है, उसको छोड़ दोगे, हम थर्ड लेटर से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप देखोगे ना, फर्स्ट वाले में ओ दे रखा है, फिर ए दे रखा है, यू ए आई, तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट में पहले पे आता है ए, और ए कहाँ कहाँ दे रखा है, सेकेंड वाले में और फोर्थ वाले में दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम आगे चेक करेंगे सेकेंड और फोर्थ में एन एन दोनों में सेम दे रखा है, फिर डी दे रखा है, सी दे रखा है, तो डी से पहले क्या आता है, सी आता है, यानी कि फोर्थ आएगा पहले पे, सेकेंड आएगा सेकेंड पे, उसके बाद आगे चेक करोगे ओ दे रखा है, यू दे रखा है और आई दे रखा है, तो यू और आई से, ओ और यू से पहले हमारा आता है आई, यानी कि थर्ड पे आ जाएगा हमारा फिफ्थ, उसी प्रकार फोर्थ पे आ जाएगा फर्स्ट और फिफ्थ पे आएगा थर्ड, तो ये आपका राइट सिक्वेंस बनेगा, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो ये क्वेश्चन होता है बहुत ईजी होता है, सिर्फ आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग अपने अल्फ़ाबेट को लगाना होता है कि पहले पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा, उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो 17 जनवरी का जो पेपर बनाया गया था जीडी वाला, उसके अंदर रीजनिंग का सेक्शन बहुत ईजी था, जिसमें बच्चे ने, इस बच्चे के पेपर में 20 में से 20 नंबर आए हैं रीजनिंग के सेक्शन में। तो आपको भी अपनी प्रैक्टिस जो है इसी डायरेक्शन में करनी है, ताकि आप भी रीजनिंग के अंदर 20 में से 20 लेके आएँ और जीडी के अंदर आप सिलेक्शन ले सकें। तो आपको प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है, और जो होगा मैं आगे भी सारे पार्ट लेके आऊँगा, सारे कवर कर लेंगे, जितने प्रीवियस पेपर हुए हैं ना वो सारे आपको मिल जाएंगे, तो आप आराम से अपने क्वेश्चन कवर कर लेंगे, और आपको हेल्प होगी इस वीडियो के माध्यम से, कि आपको अंदाज़ा तो पड़ जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, ठीक है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। सो आज के लिए इतने, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।